फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल रवि गर्गेती ब्लॉग्स। दोस्तों, आज आपकी वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज आपको मैं बताने जा रहा हूं कि आप दिल्ली से रामनगर और उससे आगे जिम कॉर्बेट एक अल्टरनेट वे से कैसे जा सकते हैं। आप सभी अभी एक रेगुलर रूट यूज करते होंगे जो है दिल्ली, हापुड़, गजरौला, मुरादाबाद, काशीपुर, देन रामनगर और आगे जिम कॉर्बेट। अब आपको मैं वीडियो में बताने जा रहा हूँ आगे कि आप कैसे इस अल्टरनेट वे को यूज कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, जिम कॉर्बेट जाने का एक अल्टरनेट वे देखते हैं आगे, और आइए लेते हैं सबर का मजा। कितना मस्त सुन रहा है ये, बहुत बढ़िया रास्ता है। अगर आप सीधे निकल जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे मेरठ हरिद्वार। तो आपको यहाँ से थोड़ा सा लेफ्ट लेना पड़ेगा हापुड़ वाले रोड पर। हापुड़ वाले रोड से आप निकलेंगे मुरादाबाद और फिर वहां से काशीपुर होते हुए रामनगर। आप ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि अगर आप सीधे निकलेंगे तो आप चले जाएंगे मेरठ। और यहाँ पर से भी देखिए कि मेरठ की ओर को जा रहा है, दूसरा जा रहा है हापुड़। तो आपको लेफ्ट साइड वाले रूट पर रखनी है अपनी गाड़ी, और उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके बाद सीधे सीधे आप चले जाएंगे। हल्द्वानी के लिए भी यही रूट यूज होता है। ये आगे आपका यहाँ से लगभग 140 किलोमीटर आगे, वहाँ से लेफ्ट आप लेंगे तो आप निकल जाएंगे रामनगर और काशीपुर को, और सीधा जाएंगे तो आप रामपुर होते हुए हल्द्वानी निकल जाएंगे। सो गाइस, ये पहला टॉल अपने को पड़ा है 140 रुपीज का, और ये जगह है छजारसी। तो आप जब आएंगे इस रूट से तो पहला टॉल आपको छजारसी का पड़ेगा 140 रुपीज का। ये सेकंड टॉल था ब्रिजघाट का, और ये हमें पड़ा है 55 रुपीज का। गाइस, ये गढ़ मुक्तेश्वर, और यहाँ पर गंगा दशहरा, पूर्णिमा, अमावस्या को यहाँ पर बहुत बड़ा स्नान होता है, और काफी भीड़ यहाँ पर रहती है, और ये है गंगा माँ मेरे वाले पे। और कुछ देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है ब्रेकफास्ट में, और परचेज भी करना है यहाँ से, ठीक है ना। सो गाइज, अभी ब्रेकफास्ट करके हम आ गए हैं, छोले कुलचे खाए हमने सुबह सुबह, और 125 के वहाँ पड़े थे एक पर पर्सन, तो सही था, बढ़िया था टेस्ट। ये टॉल है आपका 40 रुपीज का। तो हमारे तीन टॉल पड़े 140, 55 प्लस 40, टोटल हो गया 235 रुपीज। अगर आप रामनगर जा रहे हैं, रामनगर काशीपुर, तो मेनली 99% लोग यहीं से जाते हैं, यहाँ से लेफ्ट लिया और आगे आप निकल गए। तो हम लोग मैं आपको दिखाएंगे एक नया रूट, जिससे आपको बहुत इजीली आप पहुंच भी जाएंगे, और काफी अच्छा रूट है वो। उसमें ना तो आप ट्रैफिक ज्यादा मिलेगा और ना ही गड़ेगा। वहां से आएंगे तो आपको ये सर्विस लाइन पकड़नी है, ठीक है ना, और ऊपर आप नहीं जाएंगे, और आगे आके आपको लेना है यहाँ से लेफ्ट। जब आप वापसी में आएंगे तो इसी यहीं से आपको अंडरपास के द्वारा राइट लेके सीधे हाईवे में चढ़ जाना है जब आप दिल्ली को वापस आएंगे। तो ये रास्ता आपका निकलता है अलीगंज को, और अलीगंज है यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर। तो गाइस, ये है वो रूट जिस रूट की मैं बात कर रहा था आपसे, तो इसमें ट्रैफिक काफी कम है। सो गाइस, आपको ये चौराहा मिलेगा और यहाँ से भी आपको सीधा ही निकलना है। ये लिखा है ना अलीगंज काशीपुर, तो इसी रूट को हमें पकड़ना है, और ये रूट आगे नैनीताल को भी जाता है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपको नैनीताल जाना है तो। सो गाइस, ये आ गया अलीगंज, और यहाँ से अब देखते हैं कितनी दूर है काशीपुर। वैसे आप भी मजा लीजिए सुंदर से रूट का। अब काशीपुर यहाँ से बस 7-8 किलोमीटर रह गया है बस। ये लेफ्ट में जो रूट आ रहा है, ये आ रहा है आपका दिल्ली से, जिस रूट को हमने छोड़ा था मुरादाबाद पे, वो मुरादाबाद से ये वाला रूट है, और उसके बाद ये आपका मिलता है काशीपुर। ये दोनों जगह एक साथ में आपका मिल जाती है यहाँ पे, और सीधे निकलती है काशीपुर और रामनगर के लिए।
और ये आपकी काशीपुर की मार्केट है और ये राइट साइड में आपका काशीपुर जंक्शन। रामनगर की स्टार्ट होने वाली है और लगभग 10:06 हो रहे हैं और हम चले थे वहां से 5:42 पे, तो लगभग 4.25 घंटा कह सकते हैं आप, 4.25 घंटा हमें लगभग लगा है यहाँ आने में और ये रामनगर की मार्केट शुरुआत हो गई है यहाँ पे। ये है रामनगर की मार्केट। यहाँ लेफ्ट में है आपका रोडवेज स्टेशन। हम रामनगर से आगे और ये मेन रूट है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। तो चारों तो बढ़िया मस्त, उसके बीच में से ड्राइविंग करते हुए निकला तो उसका मजा ही कुछ और। ये बात तो है, कॉर्बेट नेशनल पार्क की तो बात अलग है, इसलिए टूरिस्ट इतना आता है यहाँ पे। राइट साइड में सारे रिजॉर्ट है यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये ठीक में एक जगह है यहाँ पे और सारे रिजॉर्ट यहाँ पर हैं आपका। जो भी टूरिस्ट आता है मेनली यहीं पर रुकता है कॉर्बेट वाला, और ये पूरा जोन कॉर्बेट वाला ही है। हम पहुंच गए हैं यहाँ गर्जिया मंदिर के पास में और यहाँ से गर्जिया मंदिर बिल्कुल सामने है। एक्चुअली अभी थोड़ा सा जल्दी है तो अभी जा नहीं पाएंगे वहाँ पे, और रामनगर से जो गर्जिया मंदिर है लगभग 15 किलोमीटर आगे है और मैं आपको एक बार व्यू दिखाता हूँ गर्जिया मंदिर का। जय मां गर्जिया। और इतनी दूर हम लगभग हैं गाइस अभी यहाँ पे, मैं यहाँ से आपको जूम करके दिखा रहा था। जो गर्जिया माँ है ये माँ पार्वती का ही एक रूप है और गिरिराज हिमालय की पुत्री होने के कारण गिरिजा माँ को गर्जिया माँ भी कहा जाता है। इस मंदिर की यह मान्यता है। अब देखना यार गाइज, अभी जैसे ही हम ब्लॉगिंग कर रहे थे गर्जिया मंदिर के पास में, तो अचानक हमें पुलिस वाले ने रोक दिया और कहा कि आप यहाँ पे क्या कर रहे थे। हमने कहा ब्लॉगिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा हम गर्जिया माँ के बारे में थोड़ा बता रहे हैं लोगों को। तो उन्होंने बताया आप ऐसे अकेले यहाँ पर नहीं उतर सकते हो। गाइज यहाँ पर कुछ दिन पहले ही टाइगर ने 2-3 लोगों को मारा है यहाँ पे, वो मैन ईटर टाइगर हो गया यहाँ पे, तो जिस वजह से पुलिस वालों ने हमें यहाँ बाहर उतरने के लिए बोला कि आपको अगर आप मंदिर पर जाना है तो आप वहाँ पे जाके ब्लॉगिंग करिए, लेकिन यहाँ पर अलाउ नहीं है। ये रास्ता जाता है गर्जिया को, यहाँ से राइट आप लेंगे तो ये जाता है गर्जिया को। फाइनली हम पहुंच चुके हैं धनगढ़ी गेट पर। वैसे तो कॉर्बेट नेशनल पार्क में एंट्री के लिए और भी गेट हैं, जिनमें एक धनगढ़ी भी है जहां से हम एंट्री करते हैं ढिकाला रेंज के लिए। सो गाइज यहां पर करते हैं इस ब्लॉग को एंड, नेक्स्ट ब्लॉग में हम देखेंगे कॉर्बेट म्यूजियम। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।